उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद गाजीपुर जिले की कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार को सबूत खाक किया जाएगा। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। पोस्टमार्टम हाउस के आसपास पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो डॉक्टरों का पैनल माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव उसके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्तार की मौत की जाँच 3 सदस्यीय टीम करेगी। एक जमाना था कि जब मुख्तार अंसारी के नाम से बड़े बड़े लोग डरते थे, फिर दौर बदला और उसके खौफ का बाजार ठंडा पड़ता गया। दरअसल ये दौर बदला 29 अगस्त 2009 से। 29 अगस्त साल 2009 ये वो दिन था जब मऊ शहर का गाजीपुर तिराहा एक बड़ी वारदात से थर्रा उठा था। इस दिन ताबड़तोड़ गोली मारकर ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या कर दी गई थी। मामला PWD के ठेके को लेकर हुआ था। इस घटना के बाद वहां खूब बवाल हुआ था। इस हत्याकांड में ठेकेदार के गवाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस घटना के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन मृतक ठेकेदार के परिजनों ने मुख्तार को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। कड़ी पैरवी के बाद इस मामले में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाने लगी। बस यही वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का साम्राज्य खत्म होने लगा था और इस मामले की पैरवी में मुख्तार पर शिकंजा कसता गया। ठेकेदार हत्याकांड में मुख्य गवाह बने राम सिंह मौर्य को RTO ऑफिस के पास 19 मार्च 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में गवाह के साथ उसके बॉडीगार्ड सिपाही सतीश की भी मौत हो गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पहले लखनऊ जेल में रखा गया था। वहां पर उसने अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद UP सरकार ने उसे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया था। बांदा की तन्हाई बैरक से जुड़ी सुरक्षा के बीच प्रोटेक्शन वारंट पर मुख्तार को पंजाब भेजा गया। कई गंभीर मामलों के आरोपों में घिरे माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, लेकिन 3 साल बाद 7 अप्रैल 2021 को UP सरकार माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस ले आई और उसे UP की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में बंद माफिया मुख्तार का आखिरी ठिकाना बांदा की तन्हाई बैरक रहा। 28 मार्च की शाम मुख्तार अंसारी इसी तन्हाई बैरक में हार्ट अटैक पड़ने पर बेहोश हो गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुनील कौशल ने बताया कि मुख्तार की मौत कार्डिक अरेस्ट से हुई है। उन्होंने बताया कि उसे बेहोशी की हालत में यहां लाया गया था। जेल कर्मियों ने बताया कि मुख्तार ने खिचड़ी खाई थी, उसके बाद उसे उल्टी आने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसे खून की उल्टी आई थी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।